नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। महिलाओं का चीर हरण हो रहा है, महिलाओं का। आज ये आ रहे हैं झांसी नगरी में, आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वीरांगनाओं के शहर में आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। बताइए, अखिलेश जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा रद्द कर दिया ललितपुर के लिए, क्योंकि घबरा गए थे ये लोग। ये लोगों को पसीना आ रहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी आएंगे और महिलाओं की बुलंद आवाजों को और शक्ति देकर जाएंगे। साइकिल महिलाओं की शक्ति है, महिलाओं की शक्ति को रोक दिया, ललितपुर का दौरा रद्द कर दिया। बताइए, आज हमको यहाँ पर घिरवा दिया आपने अपने प्रशासन से, ये कहकर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये समाजवादी पार्टी की सच्ची सिपाही जाकर अपनी बात ना रखे प्रधानमंत्री जी के आगे। इसलिए हमको यहाँ पर प्रशासन, अपने प्रशासन को भेजकर हमें यहाँ पर घिरवा दिया, हमको घर से निकलने नहीं दिया। लेकिन इस तरह करने से आप लोग हमारी आवाज को रोक नहीं पाएंगे, महिलाओं की आवाज को रोक नहीं पाएंगे। महिलाओं का दौर है, सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी, महिलाओं के साथ गलत होगा तो महिलाएं चुप नहीं होंगी, महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। आप लोगों ने क्या किया महिलाओं के लिए? हर रोज बलात्कार हो रहा है, हर रोज रेप हो रहा है महिलाओं के साथ। क्या कर रहा है प्रशासन, बताइए क्या किया है प्रशासन ने इन महिलाओं के लिए? आज भी महिलाओं की हालत बिल्कुल वैसी की जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी का एक दौर था, हमारी सरकार थी, एक महिलाओं को कभी इतनी सी बात नहीं आती थी, आंच नहीं आती थी महिलाओं पर। ये बताइए कि आज रानी का जन्मदिन है, आज आप लोग पुष्पांजलि करने गई है कि नहीं? जी आज, हाँ, क्योंकि आप भी महिला है। आज आज हमारी वीरांगना, हमारी तो झांसी नगरी है, आज हमारी रानी लक्ष्मी बाई का दिन है। हम लोगों को दीपदान नहीं करने दिया। एक हमारी जो महारानी लक्ष्मी बाई है, उनकी शौर्य गाथा को देखते और उनकी, हम लोग उनके आदर्शों पर चलने वाले, हम भी एक महिला है, लेकिन उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन करते हैं, लेकिन उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि को एक राजनीतिक वो बना दिया आप लोगों ने, ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बना दिया कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई पे आज हम लोग दीप दान ना कर सके। हम महारानी लक्ष्मीबाई के आदर्शों पर चलने वाले, वीरांगनाओं की नगरी में हम चलने वाले, ऐसी महिला, हम लोगों को रोका गया, हम लोगों को दीप दान नहीं करने दिया, हमको वहां तक पहुंचने नहीं दिया। क्या रानी लक्ष्मीबाई के लिए दीप दान हम लोग नहीं कर सकते? क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि ये राजनीतिक अखाड़ा बना दिया आप लोगों ने। माननीय प्रधानमंत्री जी दीप दान रोकने आ रहे हैं या यहाँ पर आप लोग अपना राजनीतिक अखाड़ा पूरा करने आ रहे हैं? इसी के साथ